तो आज हम डिस्कस करेंगे COP15 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो एक्चुअली मॉन्ट्रियल कनाडा में रिसेंटली खत्म हुए हैं यहाँ पे। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक्चुअली है क्या, इसके मेन जो है कौन से एम रखे गए हैं यहाँ पे, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और देखिए इंडिया की जो यहाँ पे इनिशिएटिव फॉर द प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 ऑफ जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे उन्होंने जो है इंडिया की जो नेशनल स्टेटमेंट को डिलीवर किया, क्या इंडिया क्या करने वाली है उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ये जो आयोजित हुई थी एक्चुअली मॉन्ट्रियल कनाडा में, काफ़ी सारे जो ऐसे कन्वेंशंस मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुई है इससे पहले, तो ये 7 से लेके 14 दिसंबर तक हुई थी यहाँ पे। तो बात करेंगे अगर यहाँ पे COP15 ऑफ द CVD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे देखें कि आफ्टर पोस्ट कोविड यानी कि जो कोविड के बाद जो है यहाँ पे एक्चुअली उस टाइम तो हुई नहीं हो पा रहा था ड्यूरिंग द कोविड, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे निगोशिएशंस के बारे में बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ बोला गया है कि काफ़ी सारे सक्सेसफुल आउटकम्स भी हुई है यहाँ पे, और मेनली देखें कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पे इफेक्टिव एडॉप्शन के बारे में भी बात किया गया। तो मेनली यहाँ पे COP15 की एम जो है यहाँ पे कौन सी बात की गई उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे उन्होंने जो COP15 में काफ़ी सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट या फिर टारगेट के बारे में बात की यहाँ पे बेस्ड ऑन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2030 तक 3 ऑब्जेक्टिव जो है मेनली उनको जो है टारगेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे टारगेट बेस्ड यहाँ पे काम करने होंगे, अभी ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे ऐसा नहीं, यहाँ पे टारगेट बेस्ड काम करने होंगे और उनको लीगली बाइंडिंग करवाना पड़ेगा। तो बात क्या गया है यहाँ पे कि ग्लोबल गोल होनी चाहिए और टारगेट्स होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे देखिए यहाँ कोई भी देश जो है ऐसा नहीं कि एक देश जो है प्रोटेक्ट कर रही है उसके पास वाले देश जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, तो ये एनवायरनमेंट या फिर ग्लोबली अच्छी नहीं होगी यहाँ पे। तो ये जो है ग्लोबल टारगेट के हिसाब से प्लान करने होंगे, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अगर मान लीजिए सपोज अमेजोन रिवर फॉरेस्ट जो है ये ब्राज़ील अगर उसको तबाह कर रही है, तो ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात की गई है यहाँ पे जो भी इंसान है दुनिया में उनको नेचर के साथ एज ए हारमोनी रहना पड़ेगा 2030 तक, और 2050 तक और भी एम्बिशियस टारगेट्स जो है काम में लाने होंगे यहाँ पे। अगर बात करेंगे यहाँ पे कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ये किया है, तो ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि इनमें जो भी टारगेट्स रखे जाएंगे ये जो है इंटरनेशनली या फिर लीगली बाइंडिंग होंगे, जो भी आपने कहा हो तो उसको जो है लीगली बाइंडिंग करवाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट जो है मेनली बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे जो है इकट्ठे होते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थ में जितनी भी लाइफ है, चाहे वो इकोसिस्टम कुछ भी इकोसिस्टम हो, टेरिस्ट्रियल हो, मेराइन हो, यहाँ पे माउंटेन हो, डेजर्ट हो, कहीं पे भी जहाँ एनिमल प्लांट इवन फंगाई और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि छोटे से छोटे अगर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको दिखाई नहीं भी देती है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज द मेन ऑब्जेक्टिव, और उसी के साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है, यानी कि देखिए कि ह्यूमन लाइफ की प्रोग्रेस तो होनी चाहिए बट विदाउट थ्रेटनिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो अगर बात करेंगे CVD यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको पहली बार साइन किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992, जिसको हम अर्थ सर्वे भी बोलते हैं, और इसको एक्चुअली कुछ टाइम बाद यानी कि 1993 में इसको फोर्स में लाया गया था। तो ये जो गवर्निंग बॉडी है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हर 2 साल में एक बार मिलती है और रिव्यू करती है कि टारगेट कैसी कैसी होनी चाहिए और पिछले जो टारगेट्स रखे गए उनमें से कितने अचीव हुई है,
और अगर अचीव होने में बहुत बाकी है, कुछ प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करके उसके ऊपर यहाँ पे काम करनी चाहिए ताकि बायोडाइवर्सिटी को पूरे दुनिया में प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया क्या कर रही है अपने बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। अगर देखेंगे हम इंडिया में पिछले कुछ सालों में फ्रॉम एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए बहुत जो है जोर दिया है। यहाँ पे हर स्टेट में आप देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है, बहुत ही स्लो मोशन में लेकिन इंक्रीज हुई है। यहाँ पे तो फॉरेस्ट कवर हो या ट्री कवर ये इंक्रीज हुई है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर बात करेंगे कि जो चीता की जो ट्रांसफर हुई थी अफ्रीका से नामीबिया से मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ये भी है कि हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने जा रहे हैं और भी ऐसे जो जीव जंतु हैं जो हम लोग ला सकते हैं। बात करेंगे रिगार्डिंग द रामसर साइट्स जो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, उसको बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे पिछले 2-3 साल में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है नंबर में। तो मेनली क्या हो जाता है कि यहाँ पे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, अगर रामसर साइट्स की टैग मिल जाती है तो प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे गवर्नमेंट भी मदद करती है। तो ये अभी तक जो है 75 हो चुकी है, लेकिन पिछले 2-3 साल में एक आप बोल सकते हैं कि क्वांटम जंप इंडिया ने लगाई है ताकि एटलीस्ट वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉरेस्ट पॉलिसी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं यहाँ पे, तो इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री में ये काफी चैलेंजिंग होती है यहाँ पे, लेकिन फॉरेस्ट सर्वे और उसकी टेस्टिमोनियल्स दिखाया जा रहा है कि बहुत ही सीरियसली और इफिशियंटली उसको काम में लगाया जा रहा है। जैन नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो आईची टारगेट जो जापान में हुआ था एक्चुअली 2020 के आसपास 2019 में, तो यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स रखे गए थे कि कितने हम लोग को फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना होगा, कितने जो बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल में रहना होगा, क्योंकि अगर देखेंगे 1970s के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ये कम होने को एक जो लो रेट पे ये कम हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इंसान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जो फॉरेस्ट है उसको खाली किया जा रहा है ताकि घर को बनाया जा सके, इंडस्ट्रीज को बनाया जा सके। लेकिन देखिए ये तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो पर्यावरण है उसको भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो आईजी टारगेट जो है जापान में एक्चुअली लिए गए थे और इंडिया ने फॉरवर्डली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और अपने जो कमिटमेंट दिए थे उसको भी ट्रैक करके उसको मीट करने की कोशिश की जा रही है। लाइफ कैंपेन की अगर बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में जो एक्चुअली लाइफ जो है यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया था, तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स अगर देखेंगे इंडिया ने की है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि कुछ दिन पहले COP 27 जो है आयोजित हुई थी, देन उसके बाद इमिडिएटली COP 19 जो है साइट्स की भी जो है पनामा में जो आयोजित हुई, अभी ये COP 15। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है कि यहाँ पे कॉप जो है कॉपरेशन ऑफ पार्टीज, अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जो है इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, एक अलग अलग टाइम प्लानिंग किए जाते हैं और उनमें अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन UNFCCC हो गई, यहाँ पे साइट्स की हो गई, यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी, हर सबकी अलग अलग टारगेट्स होते हैं और यहाँ पे जो डेलीगेट्स जो है मिलते हैं ताकि अपने लाइन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर सके। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको हम डेफिनेटली कवर करते हैं। COP 27, COP 19 हम लोगों ने कवर किया, COP 15 भी हम लोगों ने कवर किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप प्रिपरेशन ठीक से कर सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द COP 15 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।